दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप IRCTC के एजेंट हैं, टिकट बुक करते हैं, या आप खुद IRCTC से टिकट बुक करना चाहते हैं, तो हमने सुना होगा कि बोर्डिंग एक शब्द जो IRCTC में या आपको फ्लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बोर्डिंग होता क्या है इसी के बारे में और बोर्डिंग को कैसे हम बुक करेंगे इसी के बारे में मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा हमको कि अपना जो IRCTC का वेबसाइट है उस पर आके हमको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद से दोस्तों अब हम बताते हैं आपको बोर्डिंग क्या होता है। देखिए अगर आप मतलब कि कोई यात्रा करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेशन से आप यात्रा करना चाहते हैं और आपको जिस डेट में यात्रा करना है उस डेट में आपको जो आपका पर्टिकुलर स्टेशन है वहाँ से सीटें अगर खाली नहीं हैं और जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ से अगर सीटें खाली हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि जो जहाँ से आपका ट्रेन चलती है जिसे हम सोर्स स्टेशन बोलते हैं, सोर्स से लेकर और आपको जहाँ जाना है डेस्टिनेशन के बीच में आप वहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं और जो आपका नज़दीकी स्टेशन है जहाँ से आप यात्रा करना चाहते हैं उसको आप बोर्डिंग में सेलेक्ट कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे आज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्म यानी आप यात्रा करना चाहते हैं वहाँ से आप इसमें सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए कि हमको गोरखपुर से लेकर लोकमान तक जाना है और जाना है हमको मान लीजिए 31 तारीख को, और 31 डेट सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे मान हमको इसमें बुक करना है। गाड़ी जो हमने सेलेक्ट किया है ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का ये आपका रूट है और हमने सोर्स से इसको सेलेक्ट किया है गोरखपुर से। और मानिए किसी ऐसा जो यात्री है जो मानिए कि मऊ का रहने वाला है, मऊ का, और वो मऊ से अगर ट्रेन चेक करता है तो उस ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर गोरखपुर से अगर चेक करता है तो गोरखपुर से अगर सीट अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में हम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का इसमें टिकट बुक कर लेंगे। इसमें आपको जो चार्ज लगता है वो आपको सोर्स से जितना आपका फेयर चार्ज है वो उतना पूरा फाइनल लगेगा और आप डेस्टिनेशन में आपका जो जहाँ आप उतरिएगा, जहाँ आप ट्रेन को छोड़िएगा वो रहेगा डेस्टिनेशन में। और आ गया बाद में कि बोर्डिंग स्टेशन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्डिंग स्टेशन का एक कॉलम बना रहता है, तो इसी में हमको जहाँ से यात्रा करना है उस स्टेशन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। माने हमने मऊ पे सिलेक्ट कर दिया तो जो मेरा टिकट बनेगा वो बनेगा गोरखपुर से लेकर लोकमान तिलक टर्मिनल तक, लेकिन जो मेरा बोर्डिंग स्टेशन है वो मऊ है, यानी मैं मऊ से ही उस टिकट में यात्रा कर सकता हूँ, उस ट्रेन में यात्रा कर सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप बोर्डिंग के बारे में समझ गए होंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके मन में और कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।